हेलो दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे आप लोग भी अपने घर में यूज कर सकते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा इतने सारे चावल में घून। इस घून को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम एक अनोखा नुक्खा लेकर आए हैं। इसे आप अपने घर में भी यूज करें। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए। ये नीम के पत्ती, ये नीम के पत्ती आपको कहीं भी गांव में या आपके अगल बगल कहीं भी मिल जाएगा। और ये मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, सूखे मिर्च। तो इसको कैसे यूज करके, इन दो इंग्रेडिएंट को यूज करके चावल को ऐसे साफ़ सुथरा कैसे रखें और सालों साल यूज करें, उसके लिए अच्छा आइए आपको वीडियो दिखाते हैं कैसे रखें चावल को और स्टोर करें ताकि सालों साल यूज कर सकें। सबसे पहले रखने के लिए एक ड्रम है, उसमें हम पेपर रखेंगे ऐसे करके ताकि नीचे से नमी ना लगे चावल में। इसके बाद हम इसके बाद सूखे पत्ते नीम के ऐसे रखे, सूखे पत्ते रखेंगे थोड़ा सही रहेगा, लेकिन हल्का सा धूप दिखाकर भी पत्ते को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें ऊपर से ये लाल मिर्च डाल दीजिए एक आध दो, ठीक है। इसके बाद हम इसमें चावल रखेंगे। ऐसे ही ऐसे करके हम इसको पहले थोड़ा ड्रम को भर लेंगे, उसके बाद फिर से एक लेयर फिर बिछाएंगे। देखिए हमने फिर इतना भरने के बाद फिर से इसमें नीम के पत्ते इस तरह से मिला दिए ताकि इसमें घून, इसके आप लोग जानते ही होंगे नीम का पत्ता इतना कड़वा होता है और कितने बीमारियों, कितने चीज़ों के लिए आयुर्वेद के रूप में यूज करते हैं। आपको इस तरह से इसमें यूज करने हैं, मिला कर भी रख देंगे, कमी ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर चावल रख देंगे। अब देखिए हमने पूरे ड्रम को भर लिया है और ऐसे बीच बीच में आधा भरने के बाद, फिर उसका थोड़ा भरने के बाद, ये बीच बीच में लेयर नीम का ऐसे बिछाते जाएंगे और लास्ट में जब रखना हो तो ऊपर से ऐसे नीम का कर करके, नीम का पत्ता ऐसे बिछा करके और ये मिर्च ऐसे रख करके इसको आप अच्छे से स्टोर करके ढक्कन से ढक करके आप रख सकते हैं। अब इससे आपको आपके चावल में घुन नहीं लगेंगे, इससे आपका चावल सालों साल, 2 साल, 2.5 साल तक सुरक्षित रहेगा, घुन से बचा रहेगा। आप इसे ऐसे अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। हमें लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।